मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ दतिया से किया। इस दौरान शिवराज ने वैक्सीन से होने वाले लाभों को बताया। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। दतिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगवानी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की। इसमें पहले शिवराज सिंह पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी देवी एवं खंडेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री दतिया के ग्राम पराशरी में आयोजित कोरोना टीकाकरण महाअभियान में पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में ग्रामीणों के द्वारा पीले चावल और आमंत्रण पत्र दिया गया। इस दौरान मंच पर ही 5 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को कोरोना वैक्सीन का महत्व बताया और वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों से दूर रहने को कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाज सेवियों का सम्मान किया और उन्होंने वृक्षारोपण के साथ कोरोना टीकाकरण महाअभियान के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कि टीकाकरण वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ माई के दर्शन करके दतिया जिले से ही प्रारंभ किया जाएगा। एक संकट से लड़ने का समय है, ऐसा संकट जिसने सारी दुनिया में त्राही त्राही मचा दी। भला हमने ऐसा दौर कभी देखा है कि अपना कोई प्रिय व्यक्ति बीमार हो जाए, उसके माथे पे हम प्रेम से हाथ भी न रख पाए, मां अपने बेटे से बात न कर पाए मिलकर, बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी दूरी बनाने को विवश हो जाए। यह अलग तरह की महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो पहली लहर से ही सावधान कर रहे हैं, लॉकडाउन, दूरी बनाओ, मास्क लगाओ। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मास्क छोड़ना मत अभी, क्योंकि कोरोना यहीं से अंदर जाता है, नाक से या मुंह से। मास्क की बचाओ है प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया। मेरी बेटियों को तिलक लगाना था, आज मैंने नहीं लगाया, मैं केवल पांव छू लूंगा, क्योंकि अभी पास से तिलक लगाना भी कोविड के नियमों का पालन नहीं है। आज और कोई कार्यक्रम नहीं है हर जगह, और अपना छोड़ूंगा नहीं। कोरोना के पीछे में और आप पड़े रहे, तब तक भैया वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्सीन अगर लग गई तो कोरोना का संक्रमण या तो होगा ही नहीं, और हुआ तो वो शरीर पे ज्यादा असर डालेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर में उससे कोरोना से लड़ने की, वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी, तो लड़के वायरस को ही खत्म कर देगा। गाइडलाइन का पालन नहीं किया, और उस वक्त मैंने इन कार्यकर्ताओं से ये पूछा कि अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ मांग करें, तो कोई समस्या बताओ। और आपको मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से, माई की कृपा से, ये कार्यकर्ता एक समस्या नहीं बता पाए कि इसका समाधान कर लो। आपने इतना दिया है, भरपूर दिया है, और हमने जो नारा लगाया था आपने उसे पूरा किया है। और नारा था हमारा सीएम का, बन गया है मन, आपने नंबर वन किया, बहुत आभार के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।